प्रस्तुत है कार्यक्रम विशेष जयमाला। फौजी साथियों की सेवा में प्रस्तुत है कार्यक्रम विशेष जयमाला। आज इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है जाने माने साहित्यकार एवं कवि पंडित नरेंद्र शर्मा द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण। भारतीय गणतंत्र के वीर रक्षक प्रहरी अपने सैनिक भाइयों को सादर नमस्कार के सहित जय माला अर्पित करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ और इस समय मैं उन्हें गणतंत्र के 35 वर्ष पूरे होने की बधाई भी सादर अर्पित कर रहा हूँ। साथ ही उनके मनोरंजन के लिए जय माला में गूंथे हुए कुछ गीत पुष्प भी उनके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। भाइयों, आज का अवसर हम सबके लिए बड़े ही हर्ष उल्लास और उत्साह का है। हमारे बीच में जो प्रीत का संबंध है वो संबंध सदा अक्षुण्ण रहे, यही ईश्वर से हमारी प्रार्थना है। मैं एक कवि वीर सैनिकों से अपने आप को संबोधित कर रहा हूं और ये बोध प्राप्त कर रहा हूं मन ही मन कि हम सब चाहे कवि हों, चाहे श्रमिक हों, चाहे कृषक हों, चाहे मनीषी हों, चाहे शिल्पी हों, हम सब एक हैं। हमारा देश एक है, इस देश का संविधान एक है और हम सब पर इस बात की जिम्मेदारी है कि जो हम सब की एक निधि है उसके हम अच्छे प्रतिनिधि बन सकें। सच पूछिए तो आपसे हम प्रेरणा ग्रहण करते हैं इस निधि के अच्छे प्रतिनिधि बनने के लिए। तो आपको सबसे पहले जो मैं गीत सुनवाना चाहता हूं उस गीत में इस महान देश की प्रीति की रीति का वर्णन किया गया है। मैं बात
बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। मैं नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। यदि प्रातः काल की अपनी शोभा है तो संध्या काल की भी अपनी शोभा है। सच पूछिए तो सांझ का सुहाना समय भी बहुत ही सुंदर लगता है हम सबको, तो क्यों ना हम उस दृश्य को अपने मन के नेत्रों से देखें कि जो सांझ ढले उपस्थित होता है। आपको तो बहुत बार अनुभव हुआ होगा गगन के तले खड़े होकर सांझ ढले के उस दृश्य को देखने का। सुनिए, सांझ ढले गगन तले, सांझ ढले गगन तले, सांझ ढले गगन तले, हम कितने एकाकी छोड़ चले, नैनों को गिरनों के
की वेला में घर घर दीपक जलते हैं, घरों में एक छोटा सा देव मंदिर भी होता है, कभी किसी गांव की पटवारी पर भी एक दीपक जलाया जाता है, वैसा ही मंदिर गांव के किसी कोने में भी होता है, जहां सब लोग सांझ के समय जाते हैं, घर में हो या बाहर हो, हम स्मरण करते हैं उन भगवान का जिन्होंने हमें रस भी दिया है और रसना भी दी है। तो दादू दयाल जो बड़े भारी संत कवि हुए हैं, उनकी रचना का मुझे एकाएक स्मरण हो आता है। हमारे संतों ने हमारे मन में दीपक जलाए रखा है सदैव, उस चैतन्य शक्ति का, जिस चैतन्य शक्ति के बल पर हम बोलते हैं, सुनते हैं, चलते फिरते हैं, सब कार्य करते हैं। तो उस चैतन्य शक्ति के प्रति जो सांझ का दीपक जल रहा है पूजा गृह में या किसी मंदिर में, उसका स्मरण करते हुए मैं एक भजन प्रस्तुत करना चाहता हूं, तुम ही मेरे रसना। तुम ही मेरे
विशेष जयमाला। इस कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर साहित्यकार एवं कवि पंडित नरेंद्र शर्मा द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का शेष भाग। भगवान के प्रति अपनी भावना को निवेदित कर हमारे मन में सदैव यह विश्वास उपजता है, पनपता है, फलता और फूलता है कि हमारा यह देश जो अनेक क्यारियों से बना हुआ है, हर क्यारी में अनेक फूल हैं, जिसकी संस्कृति मिली जुली है, जिस पर सैकड़ों इंद्रधनुष न्योछावर होते रहे हैं, ऐसा है हमारा देश। यह गुलशन ईश्वर से प्रेरणा ग्रहण कर मन में श्रद्धा के बल पर हम सदैव यही आशा करते हैं कि हमारा यह गुलशन कभी उजड़ेगा नहीं। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है, गुलशन न उजड़े अब वतन आजाद है। ओ गंगा की हिमालय का बदन आजाद है, गंगा की हिमालय का बदन आजाद है। सबके वास्ते आज सबके वास्ते धरती का धन आजाद है, आज सबके वास्ते धरती का धन आजाद है। अब कोई गुलशन न उड़े अब वतन आजाद है, गुलशन न उड़े
जहां ये गुलशन आज दृश्यमान हो रहा है वो हमारी भारतीय भूमि है, हमारी वसुंधरा है, हमारी पुण्य धरा है। हमें इसका उसी तरह से विश्वास है जैसे कि किसी अत्यंत विश्वसनीय वस्तु का होता है। हमारे पांव इस पर सदा स्थिर होकर रहें और सीधे रास्ते पर चलें। जैसी हमारी भूमि है वैसा ही हमारा निर्मल आकाश है। और ये कहते हुए मन में हर्ष होता है कि इस भूमि से हमें आशा मिलती है, इस आकाश से हमें विश्वास मिलता है। हम सदैव अपने आशा और विश्वास के प्रति वफादार रहें और प्रार्थना करें, तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे। तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे। शेष जयमाला। इस कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद।
आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर साहित्यकार एवं कवि पंडित नरेंद्र शर्मा द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का शेष भाग। तो मैं आपके सामने एक ऐसा गीत प्रस्तुत कर रहा हूं जो कादंबरी नाम के चित्रपट से लिया गया है, और यह चित्र कादंबरी आमंत्रित करता है एक ऐसी कवित्री को जिसकी वाणी में अमृत भी है और प्रेम भी। सच पूछिए तो उनका काव्य अमृत और प्रेम से परिपूर्ण है। तो अमृता प्रीतम की यह शब्द रचना अंबर की एक पाक सुराही। तो हमने अपने अंतर में जो स्मृतियां संजोते हैं, जो सुधियां, जो साधें पालते हैं, यादों के दीपक जलाते हैं, वो शक्ति ग्रहण करने के लिए होता है। जिस शक्ति का उपयोग हम बाहर के जगत में, बाहर की दुनिया में करते हैं, हमारी बाहर की दुनिया हमारा देश है। यह वो देश है जिस देश में गंगा बहती है। इस देश के निवासी गंगा को केवल नदी नहीं मानते, उसे माता की तरह महान मानते हैं। उस गंगा माता ने हमें जो ज्ञान दिया है, हमें जो पवित्रता दी है, उसके कारण हमारे होठों पर हमेशा सच्चाई रहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। Thank you.
आज हमको थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। सच पूछिए तो सच्चाई या सत्य, यही एक अविनाशी तत्व है। हम झूठ भी बोलते हैं तो किस आशा से, इसीलिए ना कि उसे सच माना जाएगा, नहीं तो आदमी झूठ क्यों बोलेगा। तो सच पर या सत्य पर ही झूठ का भी आधार है, अपने आप में झूठ निराधार होता है। हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने, हमारे पितरियों ने हमें अच्छी तरह से यह समझा दिया था कि जय सदा सत्य की ही होती है। सत्यमेव जयते हमारे राष्ट्र का आदर्श वाक्य है। जयते जयते जयते
फौजी भाइयों, देश के वीर संरक्षकों, जयमाला आपको प्रस्तुत की गई। जयमाला के आप अधिकारी हैं और आज के इस पवित्र दिन अर्थात हमारे गणतंत्र दिवस पर यह जयमाला आपको हम सबकी बधाइयां और शुभकामनाएं देती रहे, यह प्रार्थना करते हुए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। ये था सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं कवि स्वर्गीय पंडित नरेंद्र शर्मा द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण। ये रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई विविध भारती के संग्रहालय से।